यूपी में दूसरे चरण की 67 विधानसभा सीटों के लिए थमा प्रचार, 15 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में यूपी में 11 जिलों में होना है मतदान, दूसरे दौर में कुल 721 उम्मीदवार मैदान में। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। चुनावी रैली में पीएम मोदी का अखिलेश पर वार, कहा फेल हो चुके हैं, लोगों को दोबारा परीक्षा देने का हक नहीं। मोदी ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश को घेरा, कहा हर थाने को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया। मुरादाबाद में सीएम अखिलेश यादव की रैली, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पीएम मोदी पर साधा निशाना। मुलायम ने इटावा में भाई शिवपाल यादव के लिए मांगे वोट, रैली में उमड़ी भारी भीड़। मायावती ने अखिलेश मुलायम के गढ़ इटावा में भरी हुंकार, कहा यूपी को दिलाएंगे एसपी के गुंडा राज से मुक्ति। उन्नाव में भी मायावती ने अपने उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पलिया में की चुनावी सभा, नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला। अमन मणि त्रिपाठी ने पुलिस कस्टडी में महाराजगंज की नौतनवा सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट पर भरा पर्चा, पत्नी की हत्या के आरोप में डासना जेल में बंद। बिजनौर में डुप्लीकेट मोदी और अमित शाह का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। यूपी की आलापुर सीट से एसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया का दिल का दौरा पड़ने से निधन, स्थगित हुआ चुनाव। इलाके में बाढ़ से परेशान बलरामपुर के 5 गांवों ने किया वोटिंग का बहिष्कार, किसी भी दल को वोट नहीं देने का ऐलान। फरखाबाद के नवाबगंज गांव में खराब सड़क को लेकर गुस्से में लोग, वोटिंग के बहिष्कार का लिया फैसला। पीलीभीत में कारोबारियों ने बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह को सिक्कों में तोला, चुनाव के लिए चंदा भी दिया। उत्तराखंड में भी थम गया प्रचार का शोर, 15 फरवरी को एक चरण में डाले जाएंगे वोट। बद्रीनाथ में प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के साथ बदसलूकी, कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी और उनके समर्थकों पर लगा रोक। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के लिए टला मतदान, बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत। उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ता कार्ड पर घिरी कांग्रेस, चुनाव आयोग ने दर्ज कराया आचार संहिता उल्लंघन का केस। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिव बहादुर सक्सेना के लिए किया रोड शो, एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। कानपुर में बीएसपी उम्मीदवार के लिए प्रचार में पहुंचे शाहरुख और अनुष्का के डुप्लीकेट, लोगों की जुटी भारी भीड़। बागपत के मखदूमपुर गांव में बीजेपी को वोट देने पर दबंगों ने घर पर पोती कालिक, आरएलडी के समर्थकों पर लगा आरोप। सुल्तानपुर में गैंगरेप की शिकार युवती की लाश मिलने से हड़कंप, शक के घेरे में एसपी विधायक अरुण वर्मा। चित्रकूट में रेलवे स्टेशन के पास एक युवक से 2 देसी बम बरामद, पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने फरुखाबाद में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, टीवी कलाकारों की भी मौजूदगी। झांसी में मुस्लिम समाज के 200 लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी उम्मीदवार रवि शर्मा के समर्थन का फैसला। देहरादून के मालसी इलाके में चेकिंग के दौरान इंडिका कार से 80 लाख कैश बरामद, 3 लोग हिरासत में। कानपुर में पूर्व प्रधान के भाई की गला रेतकर हत्या, हत्यारों का नहीं मिला कोई सुराग। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे से पहले गाजियाबाद में बजरंग दल ने दी धमकी, प्रेमी जोड़े की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर करेंगे वायरल। वेतन को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर फेंका कूड़ा। दिल्ली के जेएनयू में दाखिले के नए नियम और हॉस्टल खाली कराने का विरोध, छात्रों ने किया जमकर हंगामा। एनसीआर में ओला और उबर ड्राइवरों की भूख हड़ताल जारी, एक ड्राइवर की बिगड़ी तबियत। समस्तीपुर में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज इंटर के छात्रों का हंगामा, टीचरों को बंधक बनाकर हाईवे पर लगाया जाम। जम्मू में बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, रोहिंग्या समाज के लोगों को जम्मू छोड़ने की चेतावनी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एक कार चालक ने बस ड्राइवर को दिया आग की सूचना, मुसाफिरों के उतरते ही शोले में तब्दील हुई बस। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जासूसी केस में बीजेपी के लोगों के शामिल होने का आरोप। लुधियाना में
मलेरकोटा रोड पर एक खाली पड़े प्लॉट से 25 जिंदा बम बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया का उनके गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों को ताता। मधुबनी के बेनीपट्टी में मदरसे में दूषित भोजन करने के बाद कई बच्चे बीमार, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में अफीम की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया। कैमूर में भारी मात्रा में विदेशी शराब और गांजे के साथ पकड़ा गया कारोबारी, 17,000 कैश भी बरामद। बिहार में कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक कांड में एक और गिरफ्तारी, एसआईटी ने डेटा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। मधुबनी समेत 3 जिलों में फ्रूट बियर के नाम पर शराब बेचने वाले माफिया पंकज सिंह गिरफ्तार, सैंपल के जांच के बाद गिरफ्तारी। रीवा में शादी टूटने से दुखी लड़की ने फांसी लगा कर दी जान, मरने से पहले पिता को व्हाट्सएप पर किया मैसेज, पापा शादी तोड़ने वालों को माफ मत करना। मृतक ऋचा की 16 अप्रैल को होनी थी शादी, लड़के वालों ने 10 लाख नकद और कार नहीं मिलने पर शादी तोड़ने का आरोप लगाया। भिंड में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान के घर के बाहर गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या का शक। होशंगाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर ज्वाइंट टूटने से हड़कंप, राजधानी दुरंतो समेत 150 ट्रेनों को बदला गया रूट। आगरा मालवा में कांग्रेस के पूर्व विधायक वल्लभ अंबावतिया की बदजुबानी, पीएम मोदी और सीएम शिवराज के फोटो उल्टे करके लटकाए। बीकानेर में नियुक्ति नहीं होने से नाराज टीचरों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उदयपुर में एक घर में लगी आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। प्रतापगढ़ में फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने वाले 6 लोग गिरफ्तार, 50 करोड़ की ठगी का आरोप। माना में मामूली कहासुनी पर बेटे ने किया मां का कत्ल, कपड़े धोने को लेकर हुआ विवाद। अलवर में तेंदुए के आतंक से परेशान लोग, 1 महीने में 1 महिला समेत 5 लोगों पर कर चुका है हमला। राजस्थान के भरतपुर में 5,000 घूस लेते पकड़ा गया पटवारी, एसीबी टीम ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों का कोहराम, ग्राम प्रधान के बेटे और उसके साथी को मौत के घाट उतारा। झारखंड के रामगढ़ में आपसी विवाद में दोस्तों ने ली दोस्त की जान, चाकुओं से गोद कर हत्या की। जगदलपुर में सरेंडर कर चुकी महिला नक्सली की संदिग्ध मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्तर में अवैध संबंधों के चलते एक शख्स का खूनी खेल, पत्नी और 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट पर। सूरत में एक जर्जर इमारत के ढहने से 3 लोगों के मलबे में दबकर मौत, 15 घायल। गुजरात के कच्छ में कैमरे के सामने आई गैंगरेप की शिकार महिला, बीजेपी के 4 स्थानीय नेताओं पर लगाया आरोप। पीड़ित का आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया गैंगरेप, बाद में एमएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। इंदौर में 1.5 माह की बच्ची के अपहरण में 2 आरोपी गिरफ्तार, किडनैपिंग में इस्तेमाल का कार भी बरामद। भोपाल में जासूसी के 5 आरोपियों को जेल, 5ों पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप। दिल्ली के नजफगढ़ में रोडरेज में एक शख्स और उसकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पीड़ित का आरोप, तमाशबीन बनी रही पुलिस। दिल्ली के मयूर विहार में स्मृति वन में एक शख्स का पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के गाजीपुर में बच्चा चोर गैंग का आतंक, शादी समारोह में नकदी और गहनों से भरा बैग लेकर फरार हुई 10 साल की लड़की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बेकाबू कैब ने 4 साल के मासूम को कुचला, 5 घंटे तक शव के साथ काटता रहा चक्कर। दिल्ली में रेड लाइट पर खड़ी मर्सिडीज को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में कोई घायल नहीं।